वेलकम टू टी एस एन द स्कूल माइसेल स्वाति महावर टुडे वी स्टार्ट इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 9th वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर तीन पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले इस चैप्टर के नाउ इन दिस फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी स्टार्ट विद पेज नंबर 22 कम टू पेज नंबर 22 लास्ट जो वीडियो था जो थर्ड पार्ट था इस वीडियो का वहाँ पर हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्कूल्स ओपन किए हैं बहुत हाई ह्यूज एक्सपेंशन किया है स्कूल्स के अंदर लेकिन उसके बाद भी स्कूलिंग की जो क्वालिटी है जो बच्चे वहाँ पर अटेंडीज हैं वो क्या हैं कम हैं क्यों नाउ सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाई 2010 गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया एक प्रोग्राम चलाया सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया था फॉर द एजुकेशन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन बाय 2010 से उन्होंने शुरू किया गवर्नमेंट ने कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको सबको पढ़ाई दी जाएगी सबको एजुकेशन दिया जाएगा इट इज़ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट अब ये जो प्रोग्राम था वो किसने चलाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके सहयोग से चलाया था स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी ने भी अपना गोल अचीव किया कि जो भी उनके स्कूल्स थे यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनके लिए आगे यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने ओपन कराई और यूनिवर्सिटी के लेवल तक वहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को वहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कराया Along with it, bridge courses and back to school camp have been initiated to increase the enroll in elementary education. अब elementary education के लिए वापस से government ने एक camp चलाया कौन सा camp था back to school वापस school चलो और bridge courses उन्होंने start किए ताकि बच्चे school आकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके Actually क्या होता था बच्चे school तो चले जाते थे enrollment तो उनका हो जाता था लेकिन साल के बीच में ही या एक या दो महीने जाकर ही बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते थे पेरेंट्स के पास अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम कराने के लिए लेबर नहीं होते थे और उनके जो बच्चे थे उन्हीं को वो अपने फील्ड के अंदर काम कराते थे तो क्या ताकि फ्री में वो बच्चे वहाँ पर काम कर सकें तो इस कॉज की वजह से क्या होता था पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं थे तो एनरोलमेंट तो ज़्यादा हो जाता था लेकिन जो लास्ट नंबर पर नेट अटेंडेंस जो होती थी वो क्या हो जाती थी कम हो जाती थी तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे बहुत सारे गवर्नमेंट ने कैंप लगाए लोगों को समझाया कि एजुकेशन का क्या वैल्यू है मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ने ये भी शुरू करी थी कि मिड डे मील दिया जाए यानी कि दिन का जो लंच जो होता है वो स्कूल में दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हैव हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस ताकि वहाँ पर अटेंडेंस क्या रहे बच्चों की ज़्यादा रहे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव दियर न्यूट्रिशनल स्टेटस और उनको न्यूट्रिशनल फूड दिया जाता था जैसे दूध दाल सब्जियाँ हरी सब्जियाँ ये सारी चीज़ें उनको दी जाती थी ताकि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी लेवल भी क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और इन सब पॉलिसीज़ की वजह से क्या होता था लिटरेट पॉपुलेशन इंडिया का क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम्स चलाए पॉलिसीज चलाई जिससे लिटरेसी रेट जो था इंडिया का वो क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया द 12th प्लान एंडेवर्ड टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स टू 25.2% बाई 2017 to 18 एंड टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाई 2020 to 21 विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज अब GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टोटल एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन का यानी कि 18 टू 20 इयर्स के बच्चों का कितना था 25.2% 25.2% तो कब 2017 टू 18 के अंदर एंड कितना बढ़ गया 30% कब 2020 टू 21 यानी 3-4 साल के अंदर कितना इंक्रीज हो गया 25 से 30% बच्चे बढ़े हैं स्कूल आने वाले विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज जिससे हमारे वर्ल्ड का धीरे धीरे एवरेज बढ़ता गया स्टूडेंट्स का द स्ट्रैटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसेस क्वालिटी एंड अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक क्यूरिकुलम मॉडिफिकेशन वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब ये जो इंक्रीमेंट हुआ है बच्चे जो ज़्यादा आने लग गए स्कूल में वो किसकी वजह से आने लगे थे गवर्नमेंट की वजह से वहाँ का जो स्टेट था गवर्नमेंट था जो वहाँ का कम्युनिटी गवर्नमेंट था उसने कुछ एम्फेसिस ऐसे किए कुछ इस तरीके के स्टेप उन्होंने उठाए कुछ मॉडिफिकेशन किया अपने क्यूरिकुलम के अंदर अपने सिलेबस के अंदर वोकेशनल कोर्सेज उन्होंने चलाए नेटवर्क बड़ा किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सकें
द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन कन्विजेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एक डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि घर से दूरी वाला जो पढ़ाई होता है स्कूल ना जा कर के जो पढ़ाई की जाती है वो भी उन्होंने शुरू किया। फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस आईटी ये सभी तरह के उन्होंने कोर्सेज स्टार्ट किए। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एरियाज़। और पिछले 50 साल के अंदर ना ही स्कूल्स बल्कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बहुत अच्छा जंप आया है, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम 1951 टू 2015 to 16। अब जो टेबल दे रखा है उस टेबल के अंदर क्या बता रखा है, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने बच्चे स्कूल जाते थे, कितने कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, कितने टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं। नाउ सी द टेबल 2.1, ध्यान से देखो इस टेबल को। 1950 टू 51 के अंदर नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, 750, सिर्फ 750 नंबर ऑफ कॉलेज है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी है, ओनली 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2,63,000। और नंबर ऑफ़ टीचर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों में मिला के कितने हैं, सिर्फ 24,000। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होते गए, इंक्रीज़ होते गए, 750, फिर 7,000, 11,000, 33,000, ऐसे इंक्रीज़ होते होते कितना आ गया, 41,012। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज़ हो गए 2017-18 में, कितने हो गए, 41,012। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी 30 से इंक्रीज़ होके कितनी हो गई, 851, पहले सिर्फ 30 थी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो गए, 366,42,000। ठीक है, और टीचर्स जो थे वो इंक्रीज़ होके कितने हो गए, 12,00,000, 24,000 के इंक्रीज़ होके कितने हो गए, 12,00,000। तो नंबर ऑफ़ कॉलेज भी इंक्रीज़ हुए हैं, यूनिवर्सिटी भी इंक्रीज़ हुई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं और साथ में टीचर्स को भी इंक्रीज़ किया गया है। हमने इस टेबल के अंदर क्या देखा कि 1950 टू 51 से ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पर हुआ, 2017 टू 18। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट होता गया। नाउ हेल्थ, कम टू द नेक्स्ट फैक्टर हेल्थ। अभी हमने क्या पढ़ा था, एडुकेशन, अब हम क्या पढ़ेंगे, हेल्थ। हेल्थ फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई फर्म होती है, अगर कोई प्रोडक्शन का कोई फर्म काम करती है, कोई इंडस्ट्री काम करती है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। उसको क्या कमाना रहता है, प्रॉफिट कमाना रहता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं वो अनहेल्दी होंगे, नहीं। या अनहेल्दी लोगों को क्या वो काम दे देते हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग जा ही किस लिए रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जो काम करने के लायक ही नहीं होगा, जो अनेबल होगा, अनफिट होगा, उसको वहाँ पे काम नहीं दिया जाएगा। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी। एक हेल्थी है जो एक पर्सन की पोटेंशियल के बारे में बताता है, उसके एबिलिटी के बारे में बताता है कि वो कितना एबल है, कितना वो काम कर सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट साइड, फाइट फाइट इलनेस, ही और शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक पर्सन इलनेस है, मतलब बीमारी से अगर वो लड़ रहा है, अगर वो फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो वो किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकता है और आउटपुट प्रोडक्शन वो नहीं कर सकता है, किसी भी तरह का आउटपुट वो प्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ होगा वो वहाँ पर इफेक्ट होगा, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ होगा वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, वो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, अच्छा इनकम जनरेट नहीं कर सकता। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। एक बच्चे का अच्छा जो देखा जाता है कि वो अच्छा मनी अर्न कर सके, अच्छा काम कर सके, वो किस पर डिपेंड होता है, हेल्थ पे। अगर एक बच्चा स्वस्थ होगा तभी वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है और अच्छा काम करके अच्छा पैसा वो कमा सकता है। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. कंट्री का मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। एक तो लोगों को एडुकेशन दिलाना, साथ में हेल्थ भी उनका क्या करना, अच्छा करना, इम्प्रूवमेंट करना उनकी हेल्थ के अंदर। आ नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल
सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अनप्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो नेशनल पॉलिसी जो बनाई जाती है, यानी कि पूरे नेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसीज़, उसके अंदर मेन फोकस किस पे किया जाता है, हेल्थ केयर, लोगों की हेल्थ, फैमिली का वेलफेयर किस तरीके से वो करते हैं, फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बनाती है, न्यूट्रिशन सर्विस कैसे उनको न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल कराया जाए, तो ये सारी चीज़ें होती है जो पॉपुलेशन का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं ऐसे प्रोग्राम कि उनका हमारे कंट्री का पॉपुलेशन अच्छा, हेल्दी, एडुकेटेड हो। ओवर द लास्ट 5 decades, पिछले 50 सालों के अंदर इंडिया हैज़ बिल्ड अप वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट। अब जैसे जैसे एडुकेशन के अंदर उछाल आया है, अच्छा एडुकेशन हुआ है, वैसे ही उसी तरीके से हमारे लोगों का हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से हेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, तीनों सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कि लोगों की हेल्थ वहाँ पर क्या है, अच्छी हुई है। दीज मेजर्स विच हैव बीन एडॉप्टेड हैंड इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 years इन 2014। अब गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटी अच्छा कर दिया, गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स की फैसिलिटी अच्छी कर दी, हॉस्पिटल्स अच्छे कर दिए, हर तरह का इलाज इंडिया में आज पॉसिबल है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। जहां लोग 36, 38, 40 की उम्र में मर रहे थे, अब उनकी एज कितनी हो गई डेथ की, 68, यानी इतना तो वो आदमी जिएगा ही जिएगा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हैज़ कम डाउन, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना हो गया, कम हो गया, 147 था 1951 के अंदर, जो 34 हो गया कब, 2016 के अंदर। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आप लोग समझते हैं, एक साल से पहले 1000 बच्चों के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं वो बच्चे क्या कहलाएंगे, अपना फर्स्ट बर्थडे बनाने से पहले 1000 बच्चों के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं वो बच्चे क्या कहलाएंगे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी कम हुआ, यानी कि बच्चों के मरने की जो रेट थी वो क्या हो गई, कम हो गई, कम बच्चे मरने लग गए। क्रूड बर्थ रेट हैज़ ड्रॉप टू 20.4% एंड डेथ रेट टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्रूड बर्थ रेट भी क्या हो गई, कम हो गई, 20.4% हो गई, और जो डेथ रेट थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई, 6.4। क्रूड बर्थ रेट यानी कि बच्चों के पैदा होने की जो रेट थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। अब क्रूड बर्थ रेट कम होने का मतलब क्या है, हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर हाई पॉपुलेशन है, तो अच्छा है कि पॉपुलेशन कम हो रही है, और गवर्नमेंट को फोकस इसी पे था, इस पे भी इसने एम्फेसिस दिए थे कि पॉपुलेशन इंडिया का कम हो। डेथ रेट हमारा कम हो गया, 6.4% हो गया, अब लोग कम मरेंगे, हर बीमारी का इलाज होगा, तो डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से और बच्चे का अच्छा केयर होने की वजह से फ्यूचर हमारे कंट्री का क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया, हमारे कंट्री का फ्यूचर क्या हो गया, अच्छा हो गया। इंक्रीज इन लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। लॉन्गिविटी जो लाइफ की होती है वो इंक्रीज होने की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है, और हमें क्या आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम भी आगे इस एज के अंदर भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्शन दिया गया। अब जैसे मदर होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको बेबी होने से पहले क्या दिया जाते हैं, उसको वैक्सीन्स दिए जाते हैं। वो वैक्सीन्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि बच्चे की वहाँ पर किसी भी तरीके से डेथ ना हो और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में भी उसको क्या दिए जाते हैं, वैक्सीन्स दिए जाते हैं। जैसे पैदा होता है उसी दिन से उसके दूसरे या तीसरे दिन से ही उसके वैक्सीन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको वैक्सीन दिए जाते हैं ताकि उसको इन्फेक्शन से, बीमारियों से, डिजीज से उसको बचाया जा सके और उसकी डेथ ना हो। इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर। मदर और बच्चे दोनों का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है, उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, जिसे गवर्नमेंट कुछ पैसे भी देती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम निकाले कि उनको प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर ही, वो जो पीरियड होता है उसके अंदर ही उनको पैसे दिए जाते हैं, कुछ अमाउंट उनको मंथली दिया जाता है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन फूड खरीद सके और खा सके। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया और ये पेज भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।